सादगी का साथ निभाता चला गया। रोजमर्रा के जीवन में आते उतार चढ़ाव और जीवन में बदलाव के लिए कड़ा संघर्ष, इन दोनों के बीच अपना आकार लेते जीवन के अच्छे बुरे क्षण, और इसी का नाम जीवन, जिंदगी। जिंदगी के इस विस्तार में है एक छोटा सा दिया, जो जिंदगी के तमाम तूफानों से लड़ते हुए आज भी चमचमा रहा है, और अपनी रोशनी से जिसने कई जिंदगियों में चमक भर दी है। मेरा नाम फतेह सिंह है। उस जमाने में मेरे आजी ने रखा, क्या सोचा होगा, तो फतेह सिंह के नाम का मैं सही करते हुए करूँ, मैं करते जा रहा हूँ। फतेह सिंह पुनाजी ढाबरे अपने विकास को बड़ी तेजी से छूते और एक महानगर की शक्ल में बदलते नागनगरी नागपुर से लगभग 12-15 किलोमीटर की दूरी पर बसे एक ऐतिहासिक गांव वेड़ाहरी। यहां से शुरू होती है जिंदगी फतेह सिंह जी की, फतेह सिंह पुनाजी ढाबरे। ये जो गांव आप देख रहे हैं, ये है वेड़ाहरी। ये आज का वेड़ाहरी है, एक आदर्श ग्राम। इसमें अब तो हम नागपुर के विस्तार की झलक भी देख सकते हैं, लेकिन ये गांव तब ऐसा नहीं था। जब फतेह सिंह जी का जन्म इस गांव के पुनाजी ढाबरे इनके इस छोटे से घर में हुआ। आजा पंजोबा और पिताजी वहां थे, खेती बाड़ी भी थी, और वहीं उसी गांव में मेरा जन्म हुआ। बचपने से वैसे गांव, उस जमाने की बात थी कि बहुत कास्टिज्म और जातीयता का होने के कारण उसमें बारिश की बहुत ये थी, तो पीके बहुत कम होती थी, और घर में बड़ा परिवार होने के कारण घर में खाने के वाले भी होते थे। वैसे में हमारे मेरे माता पिता को हम दस भाई बहन थे, उसमें से आज साबुत 8 की औलादे हैं। जब मैं 7-8-9 साल तक के हुआ तो खेड़े में भेड़िया गैया चराता था, पप्पा के साथ में उसके बैल के साथ अपनी गाय बच्चा वो भी चराता था मैं। सन 1950 का दशक, देश आजाद हो चुका था, और क्रांतिबा ज्योतिराव फूले के नेतृत्व में शुरू हुई सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया अपने जोरों पर थी। अब यह आंदोलन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सशक्त कांधों पर था, और शिक्षा
ये सामाजिक बदलाव की पहली सीढ़ी है, ये बात जन जन तक पहुंच चुकी थी। शिक्षा के रास्ते ही अपने सर्वांगीण विकास के दरवाजे पर दस्तक दी जा सकती है, इस बात को हाशिए के लोग समझ चुके थे। कर्नल बाग में हरिप्रसाद देवराम मान के नाम के गुरु जी थे, उसके यहाँ वो सामान देती थी। वो सामान देते देते उसने कहा, गुरुजी मला माझ्या नातवाला शिकवायचं आहे, कसं करावं? तर खेड़ विलेज के आदमी को ये कुछ मालूम नहीं होता, तो उसने बताया ऐसा करो माँ, जुलाई के महीने में करीब करीब मेरे पास लाख आपके नाते को लेके आओ। तो उस बुढ़िया आजी ने मेरे को गुरुजी के पास जून के एंड में लाया। जून के एंड में लाने से अब हमारे घर में कपड़े से और देखावे से बड़े सब खुशहाल लोग थे। हम लोग देखने में बड़े अच्छे, रंग भी अच्छा है। तो गुरुजी को इतना भाया मैं कि गुरुजी ने अपने पास में ही रख लिया। बोले अभी माँ मेरे पास दो दिन रहेंगे, मैं इसका एडमिशन कर देता हूँ, मेरे साथ रहेगा और चलेगा। तो उसने मेरा नाम कहाँ डाला? इंदौरा। जब मैं उस वक्त में 11 साल का था, इंदौरा स्कूल में लालशाला है, वहाँ पर चौथा क्लास पास किया मैंने। जीवन में विकास तो आता है, लेकिन उसकी डगर कोई आसान नहीं। फतेह सिंह जी अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़े। अब बड़ा भाई का मतलब होता है पिता के समान। मेरे पिताजी उम्र के 55-56 में ही गुजर पड़े। पिताजी गुजरने के बाद वो बहुत बेफाम परेशानी थी, क्या किया जाए, ये नौबत बड़ी आई। तो मैंने बोला अब क्या किया जाए साला। फिर मैंने ये ठान लिया कि अपन नौकरी करेंगे और अपने घर के लोगों को सबको पढ़ाएंगे, खुद नौकरी करेंगे और जितने का अच्छा करना है उतने का हम अच्छा करेंगे। हमने एक संकल्प कर दिया था उस वक्त। संकल्प के साथ जुड़ जाता है त्याग और अनुशासन, जीवन के लिए कुछ नियम। फतेह सिंह जी का लक्ष्य था एक बेहतर जीवन की ओर बढ़ना, और अकेले नहीं अपने पूरे परिवार के साथ। भाजीपाला बेचना, भुट्टे के कंसे बेचना, ऐसा करते करते शिवराज प्रेस में एक छोटी सी नौकरी लग गई पानी बांटने की, वाटर बॉय। उम्र में 14 साल का था मैं, नौकरी पे लग गया और एक एक भाई को लाना मैं पढ़ाना शुरू कर दिया। सन 1961 में फतेह सिंह विवाह के बंधन में बंध गए, गृहस्थ जीवन की एक नई शुरुआत। जिंदगी के सामने चुनौतियां कोई कम नहीं थी, लेकिन फतेह सिंह जी का आत्मविश्वास बड़ा मजबूत। वे अपनी पत्नी को समझाते हैं, अपन बड़े हो गए और अपने को अपने रिलेशन के या देवर के यहाँ जाना है, तो एक अफसर देवर के यहाँ जाना अच्छा रहेगा या गया चराने वाला देवर अच्छा रहेगा, ये बता। बड़े भाई ने पिता बनकर अपने छोटे भाइयों की जिंदगी संवारना, ये बड़े ही त्याग और समर्पण की बात है। मेरा भाई एक डॉक्टर बना, DHMS BSc। उसको मोहता कॉलेज में एडमिशन लेना था। हमने बोला कहेंगे, एंड तक के देखा पैसे कुछ जमे नहीं, और फिर साहूकार के पास गया। साहूकार के बोला मेरे भाई को एडमिशन करने का है और मेरे को पैसे चाहिए। तो बोले चाहिए ठीक है, 165 रुपया भरना है।
तो मेरे को बोला देखो दे दो, तो बोले ब्याज काट के। अरे ब्याज काट के बोला तो कम हो गए, फिर ऐसा करो 200 दे दो। तो 200 में से 2.5% का ब्याज 24 रुपया काट के 76 रुपया हमको दिया। 165 रुपया कॉलेज में भर के एडमिशन लिया, वो डॉक्टर बना। क्या 165 रुपया और उसको दिया हुआ ब्याज कोई तुलना में रहता है? वक्त की तकाजा था, अगर मैं 165 रुपया नहीं भरता तो भाई नहीं पढ़ता, डॉक्टर नहीं होता। तो इनका इतना योगदान है कि इन्होंने सोते हुए कौम को जगा दिया, जो नहीं होने का, जो बहुत लोगों से नहीं हो सकता वो काम कर दिया इन्होंने, कि सभी भाइयों को लाकर अपना पढ़ाना खिलाना इधर उधर ख्याल रख के इन्होंने जो योगदान दिया है वो बहुत ही बढ़िया है, जो हमारे से कभी होने कभी होगा कि नहीं होगा ये हम बता नहीं सकते। ही लुक्ड आफ्टर अस लाइक हिज चिल्ड्रन एंड ब्रॉट अस अप। व्हेनेवर वी आस्क हिम फॉर सम हेल्प ही नेवर डिनाइड, ही स्पेंड हिज ओन इनकम आफ्टर अस। क्या पीछे में जो लोग रहे उनको आगे कैसा लाने का, ये इनका एक स्वभाव रहा है। वॉट एवर वी आर टूडे ओनली बिकॉज ऑफ हिम, दिस कैन नॉट बी फॉरगॉटन एट एनी मोमेंट। ऐसे आदमी अगर पैदा हो गए तो दुनिया कभी पीछे नहीं रहेंगी। फतेह सिंह जी का जीवन के प्रति दृष्टिकोण बड़ा साफ है और शिक्षा की ताकत वे जानते हैं। शादी के बाद भी उन्होंने अपनी पत्नी जीजाबाई को पढ़ाया। औरत पढ़ने लगी, अचानक ट्रेनिंग का कॉल आया। उस वक्त में मेरा लड़का 15 महीने का था, जो आज कमिश्नर है वो। 15 महीने का बच्चा था, ट्रेनिंग आने का तो जाने का नहीं था, लेकिन मैंने ये सोचा कि संधियाँ बहुत कम आती है जीवन के अंदर में, संधियाँ बहुत कम आती है, अरे उसको किसी ने पकड़ा नहीं तो वो समय बाद में बड़ा ठीक नहीं होता। उतने लोगों के अंदर में तुम्हारा फार्म में नंबर लगा तो सिलेक्शन करने वाले को भी कुछ जताओगे तुम अच्छी हो, फिर ये संधि नहीं क्या? तो बच्चा छोटा है, अरे बच्चा आज 1 साल का है, 1.5 साल का है, कल को 2 साल का बनेगा, लेकिन आई हुई संधि कल आ सकती क्या? नहीं आ सकती, और इसलिए तुमने पढ़ना है। जा नहीं रही थी, हमने जबरन उसकी तैयारी किया, ट्रंक भरा, रिक्शा किया और वहाँ पहुँचाया। तो होता क्या है, भरा लड़के को, ट्रंक उसके हवाले किया और बच्चे को मैंने लिया और उसको घर में ले आया। जेव्हा माझे छोटे छोटे मुलं होते तेव्हा मी त्यांना सोडून ट्रेनिंगला गेली, तेव्हा मला अत्यंत फील झालं। पण यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं मला आणि त्याच्यामुळे मी ते पूर्ण करू शकले। मला छोटे छोटे 4 धीर होते। आणि आम्ही सगळे शिकत होतो, शिकता शिकता मग मी SSC पास झाले आणि तर सगळं शिकण्याला प्रोत्साहन यांनी दिलेलं आहे। यांचं गाईड खूप छान होतं, माझ्या मिस्टरांनी मला खूप साथ दिलेला आहे, कारण मला काही जास्त कळत नव्हतं पण त्यांनी ते स्वतः हँडल केलं। मग माझं लग्न 1961 झालं, 28 मे 1961। जिंदगी के आर्थिक बोझ को उठाने में अब फतेह सिंह जी बन गए एक से भले दो। भाइयों की जिम्मेदारी से तो हल्के हो गए थे, लेकिन अब बच्चों की जिम्मेदारी आन पड़ी। बच्चों को अनुशासित रखने का और उन्हें अपने लक्ष्य पर बनाए रखने का फतेह सिंह जी ने एक अलग तरीका अपनाया। जहाँ लड़के पढ़ते थे उसका रास्ता कौन सा है, उसी रास्ते से आना चाहिए। तो मैं बराबर किसी वक्त जाता था और नहीं दिखा तो मैं ये कहता था कि मैं तुम्हारे रास्ते से आया, तुम मुझे दिखे नहीं हो तो कहाँ गए थे तुम लोग, ये शायद कोई बाप करता है।
ये लड़के मेरा नवयुग विद्यालय में था, हर वक्त हेडमास्टर के पास जाता था, किसी को पता नहीं लगता था। तो उसने भी देखा कि ये भी खूब पाप है, बारों बार आके पूछताछ करता है। लड़कों को मैंने इंजीनियरिंग के लिए राहुल किला भगाया, बगैर बताए 4 बार गया मैं राहुल किला। प्रिंसिपल जब उसको बुलाता था उसको पता लगता कि मेरे पिताजी आए। तो इतनी केयर रखने वाला पिताजी हो तो लड़के शायद अच्छे निकलते हैं। फतेह सिंह जी अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं, उनका अपने उसूल और अपने कर्म पर बड़ा विश्वास। उनका विश्वास बिल्कुल पक्का है कि करने से ही सब कुछ होता है, सिर्फ सोचने से नहीं। हमने बहुत गरीबी से दिन निकाला, हम ऐसे नहीं थे। मेरे घर में मैं अकेला रहता था झोपड़ी में, तो एक दिन कौवे ने आके मेरी रोटी ले गई था। ऐसा दरवाजा था, दरवाजे से इतना ऊपर में जगह थी, तो कौवे उसमें से आके रोटी ले गए भाग गया था। तो उसमें के आदमी है, लेकिन करने करने से आदमी परिवर्तित होता है। अपन को ब्रेन की देन स्पेशल देन मिली है, स्पेशल टाइप का ब्रेन अपना है, और उस ब्रेन का सही यूज अपने पूरे जीवन से लेके मरे तक के सही को करना है। इसी ब्रेन का इस्तेमाल कर फतेह सिंह जी ने बच्चों को खूब पढ़ाया, उन्हें काबिल तो बनाया ही लेकिन जिम्मेदार भी। ये है फतेह सिंह जी के बेटी और दामाद। ऐसे सासरे फतेह सिंह जी ढाबरे जे लाभले, कारण त्यांचा जीवनक्रम पाहल्यानंतर खरंच डोळ्यामध्ये आसवा येतात, कशा प्रकारे ते जीवन जगलेत आणि आपल्या कुटुंबाला कशा प्रकारे वरती आणलं आणि त्यांनी काय काय केलं तेच करू शकतात। एज्युकेशनसाठी त्यांनी जी मरमर केली, त्यांना असं वाटलं की माझं कुटुंब हे असं असायला पाहिजे, तर ते त्याच पद्धतीनं ते आजही तेवढेच त्यासाठी ते उत्साहित असतात, प्रेरणादायी असतात ते आमच्यासाठी। हे सगळं करून त्यांनी आपलं पूर्ण कुटुंब अगदी व्यवस्थित चांगल्या स्तरापर्यंत आणलेलं आहे आणि आजच्या घडीला ते सगळेच अगदी सुखी समाधानी आहेत। समाजामध्ये त्यांचं एक प्रतिष्ठा आहे। कधी आम्हाला अपयश आलं किंवा कधी हे झालं, त्यांनी कुठल्याही गोष्टीला म्हणजे असं खूप न रागवता, काही जास्त दुःख व्यक्त न करता किंवा जास्त आनंद व्यक्त न करता त्यांनी आम्हाला सांभाळलं। दुसरं म्हणजे ते प्रेमळ इतके आहेत की आजही त्यांचं कुटुंब त्यांच्या भोवती असं गुरफटलेलं आहे असं मी म्हणेन। कारण मेरे लड़के आगे बढ़ते गए, इंजीनियर बने, 2-4 राज कमिश्नर बना गया। बाहर निकलते मैं एक बार गया, RTO थे वो, हमको बैल रहने की जगह नहीं थी, तो मेरे लड़के का 25x20 का तो रूम था, बड़ा जाल, ये बड़ा टेबल, ये खुर्चियाँ लगी। लगने के बाद मैंने देखा, जग देखा तो बाप रे, मैं पानी देने वाले का लड़का आज इतने बड़े इसमें लोग गाइड कर रहे, तो मैं बड़ा ऐसी कलेजा भर के आ गई थी। मैं बोला, फूटता क्या रिशिना मेरा। कि पिताजी ने ये जो बात हमारे दिमाग में डाली है ये आखिरी सांस तक रहेगी। मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। कि पिताजी ने ये जो बात हमारे दिमाग में डाली है ये आखिरी सांस तक रहेगी, और मैं समझता हूँ कि जो हम प्रगति कर रहे हैं वो उसी एक लाइन की वजह से कर रहे हैं कि आप स्पेशल हो, आप में टैलेंट है, आप में गुणवत्ता है, आपका जो मेरिट है उसका यूज़ आपको कंटिन्यूसली करना है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 10th के बाद, 12th के बाद, इंजीनियरिंग में जाने के बाद जो डिस्टर्बेंस हमारे पढ़ाई में हुआ था, रैगिंग हुई थी, REC राउरकेला में गया, तो वहाँ जाने के बाद पढ़ाई में बड़े ख़राब रिजल्ट आने लगे। तो कुछ तो इंजीनियरिंग की पढ़ाई एकदम कठिन थी वहाँ पे, तो वहाँ पे हमारे नंबर अच्छे नहीं आए। लेकिन ये बात कि भाई आपकी गुणवत्ता है, आपको प्रूव करना है, फिर वापस पंडित बच्चराज विश्वविद्यालय का जो आपका पहला नंबर, उसको फिर लाना है। तो हमने फिर चैलेंज लिया कि भाई हम वो गुणवत्ता के लड़के हैं, तो सिर्फ ये इंजीनियरिंग का 2nd क्लास लेके कैसे रहेंगे, ये तो ब्लॉट हो जाएगा लाइफ में। तो फिर इंडिया की सबसे बड़ी एग्ज़ाम कौन सी है,
किसी ने बोला अभी आई ए एस के एग्जाम से होकर, तो वो चैलेंज लेके आई ए एस के एग्जाम हमने पास करके दिखाई। इन केस ऑफ माई फादर दिस इज समथिंग वेरी स्पेशल, दिस इज समथिंग वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी दैट ही इज सक्सेसफुल एज अ फादर, एज अ ब्रदर, एज अ फादर इन लॉ, एज अ इफेक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ फॉलोअर ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। I mean, on all these fronts, he is successful, and that is the ideal definition of a being or being a successful person. दूसरा वो जो घर था उनके खाने का, वो ऐसा कच्चा घर था कि उसको आप ऐसा लात भी मारोगे तो गिर जाएगा, लेकिन उसमें हम लोग बड़े ही सुरक्षित महसूस करते थे। बरसात में वहाँ पे वो पक्का घर नहीं था, वो प्लास्टिक वास्तव था, पूरा यहाँ तक पानी आता था, तो मेरे पिताजी रात भर वो उसको सलाख से वो प्लास्टिक इधर करेंगे उधर करेंगे ताकि हम ना भिगे, वो उनकी जद्दोजहद मैंने देखी है। मुझे लग्नाला आता 17 वर्ष झालेले आहेत आणि या 17 वर्षात दादांकडून मी जे काही शिकले ते जे मी शिकले ते सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट माझ्या आयुष्यभर जी मला पुरेल आणि जी माझ्या मी माझ्या मुलांना देखील सांगू शकेन की म्हणजे कुठल्याही परिस्थितीला न भीता पुढे कसं जायचं, कुठल्याही संकटाला तोंड देताना न डगमगता मार्ग कसा काढायचा, ही सगळ्यात मोठी शिकवणूक त्यांनी मला दिलेली आहे। इतक्या वर्षात दादांना मी कधी सासरे म्हणून बघितलेलं नाही, त्यांनी प्रत्येक वेळी जेव्हा केव्हा मला गरज भासली अगदी वडिलांसारखं त्यांनी मला समजून घेतलेलं आहे। एवढंच नव्हे तर माझ्या लग्नानंतर मी माझं PGMD जे शिक्षण मी घेतलेलं आहे ते मी माझ्या लग्नानंतर घेतलेलं आहे। उस जमाने में मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने जो हमको जो बुरी आदतें निकालने के लिए जो भी शिक्षा दी है वो हमारे बहुत काम में आई है, और क्योंकि वो शिक्षा का डर जो है वो आपको उस गुनाह से ज़रूर बचाता है। तेव्हा संधीचं सोनं करायला शिका ही शिकवणूक त्यांनी मला जी दिली ती नेहमी मी माझ्या गाठीशी बांधून ठेवणार आहे आणि मी धाबरे कुटुंबातली एक सदस्य आहे याचा मला खरंच अभिमान आहे। बेटी बेटे दामाद बहू सब अपने जीवन में ऊंचे मुकाम पर है, लेकिन उनका आपस में तालमेल भी उतना ही मजबूत। और फतेह सिंह जी बड़े गर्व से कहते हैं, खेड़े से अपन आते फटे एक पैंट छोटा सा इतना सा पहन के, अपनी इच्छा को बहुत हमने रगड़ के रखा और इच्छा को रगड़ के रखने के कारण आज इस लेवल तक हम पहुंच गए। एक एक के दो दो बिल्डिंग है अभी, वैसे सारे लोगों की आए, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं था। ये सब पढ़े लिखे नौकरी पे गए, उसके बाद में मैं पढ़ा, फिर बाबू बना, फिर ये बड़े बड़े बनने, मैं साला ग्रेजुएट नहीं तो मैं भी ग्रेजुएट बना। तो ये सारा एक ही आदमी कर सकता है, एक ही समय में भी कर सकता है अगर उसकी इच्छा प्रबल हो तो। मैंने कभी इच्छा प्रबल इच्छा रखा ही नहीं, अपने इच्छा को इतना मरोड़ के रखा, इतना मरोड़ के रखा कि नया कपड़ा मैंने 82 तक पहना नहीं, ड्यूटी कब से कर रहा हूँ 52 से, और नया कपड़ा टेलर के पास से सिला हुआ कपड़ा कभी नहीं पहना 82 तक। अनेक प्रसंगामध्ये त्यांच्याकडे किंवा माझ्याकडे कोणताही लग्नाचा प्रसंग हो काही हो त्या ठिकाणी आम्ही आमची मैत्री जोडली, आम्ही एकमेकाला कोणतंही काम करायचं असलं तर आम्ही एकमेकाशी विचार करत होतो, एकमेकाशी चर्चा करत होतो, आणि त्यातल्या त्यात विशेष करून सामाजिक चर्चा आमची चालायची। ते बुद्धविहार सांभाळतात चंदननगरचं, आणि सुरुवातीपासून त्यांना त्या गावामध्ये सुद्धा त्यांनी बुद्धविहार बांधलेला आहे तिथं, एवढंच नाही तर त्या गावामध्ये कार्यक्रम घेणे जाणे आणि आपल्या ग्रामवासियाशी संपर्क ठेवणे हा अतिशय चांगला गुण त्यांच्यामध्ये मला आवडला। मला मी पण तेच काम करत होतो, त्याच्यामुळे आमची या समविचारीपणामुळे समकृत्यामुळे समकार्यामुळे आमची मैत्री जरा घट्ट झाली आणि ते आजपर्यंत आहेत। मेरे मित्र फतेह सिंह जी ढाबरे मार्केटिंग में कार्यरत थे, हम लोग हमेशा एकमेक से चर्चालाप करते थे, और बड़े पैमाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाना चाहिए इस हेतु मार्केटिंग GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की एक हमने बैठक बुलाई और एक कॉमन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती होना चाहिए, इसलिए फतेह सिंह ढाबरे इन्होंने मार्केटिंग से काम करना शुरू कर दिया है।
हम लोग डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के सिद्धांत के बारे में, उनके मिशन के बारे में, IBM मार्केटिंग JSI का लोगों को डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार है, उन्होंने समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किया है वो कार्य की अदर कास्ट के लिए उसकी मालूमत होना चाहिए। इसलिए बड़े पैमाने में हम लोग अम्बेडकर जयंती का प्रयोजन करते थे। अभावग्रस्तता और दरिद्रता से लड़ना निजी जीवन में और फिर सामाजिक कार्य में भी अपना योगदान देना, वाकई ये बड़ी हिम्मत का काम है। लेकिन फतेह सिंह जी जिस सामाजिक परिवेश से आते हैं वहाँ संघर्ष दोहरा है। व्यक्तिगत जीवन को तो बेहतर बनाना है ही, सामाजिक जीवन भी संवारना है और इसलिए फतेह सिंह जी सामाजिक जीवन के संघर्ष में भी सड़क पर खड़े होते हैं। 57 के बाद में यह RBI का जो बोलबाला बहुत था, तो मैं लीडरों के साथ में रहा। लीडर के साथ में जाने से घर में मेरे भाई भी बन रहते थे, तो लीडर के साथ में रहने से मेरे को तो चाय नाश्ता सभी मिलता था। लेकिन घर में आने के बाद में इधर वो भाई लोग चिल्लाते थे, आजी चिल्लाती थी। मैं बोला ये तो गलत बात है, अपन तो खा के आते, घर के लोग चिल्लाते, लीडर के साथ रहना नहीं है, कुछ काम करो। लेकिन कहीं जाने का वक्त आया, जुलूस निकालने का वक्त आया, नारे देने का वक्त आया, तब पीछे नहीं रहते, झंडा लेके आगे जाते थे। ये था लॉन्ग मार्च का काम था, मराठवाड़ा विद्यालय के नामांकन का संबंध में। सभी लड़के कौन इधर भगा, मैं इधर भगा, आजी किधर गई, ये पता नहीं था। शाम के वक्त में सब इकट्ठे आए, अब अपने किस्सा बताने लग गए, तो वो जोश रहता कार्यक्रम का। फतेह सिंह जी अपने हक अधिकारों की लड़ाई सिर्फ सामाजिक बैनर के दले सड़कों पर ही नहीं लड़ते, जो उनका कार्यस्थल रहा जहां उन्होंने नौकरी की, वहां से अब तो वे रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन जब तक नौकरी में रहे वहां भी सामाजिक समानता के आंदोलन में सक्रियता से सहभागिता देते रहे। एक बार फर्स्ट क्लास बनाया था और वहां पे पेंडल डालना था मेरे को स्टेज बना के। स्टेज बनाने के बाद में अफसर आके क्या कर रहे, बोले यहाँ पे स्टेज लगा रहे, लड़के बता रहे थे स्टेज लगा रहे, किसने बताया, वो फतेह सिंह ढाबे ने बताया, लेके आओ मेरे पास। वो मेरे पास आए, बोले साहब आपको बुलाते हैं। अरे तुम काम करो ना यार, मैं समझा दूंगा ना उनको, काम कर दो। मैं गया ही नहीं, फिर उसने अपने चपरासी को भेजा, फिर मेरे को बुलाया, मैं चले गया। नमस्ते सर, बोलिए क्या बात है, तो ये क्या हंगामा लगा दिया आप लोगों ने। बोला साहब आप यहाँ के प्रेसिडेंट हो इस कार्यक्रम के, आपको नीचे हम कैसे बैठाएंगे ये बता। बोला हम नीचे बैठेंगे, आप स्टेज पे बैठेंगे और स्टेज के लिए जगह बनाई, जगह प्लान कर दूंगा और आपको स्टेज के बनाऊंगा। साहब खुश हो गया और उसने कार्यालय से नोटिस निकाला कि इस कार्यक्रम को हर आदमी अटेंड करेगा, कोई भी नहीं जाएगा। देखो उसका गुस्सा वहीं ठंडा हो गया, तो उसके सर्कुलर से हर आदमी वहाँ अटेंड हुआ कार्यक्रम के अंदर में। तो आदमी को एक समझाने के तरीके रहे तो इंसान भी समझ जाता है। सामंजस्य जिंदगी का बड़ा ही महत्वपूर्ण अंग है, जिससे जिंदगी आसान हो जाती है, सुलभ हो जाती है। फतेह सिंह जी के जीवन में इसका बड़ा मोल है, या फिर यूं कहे ये उनके जीवन का अभिन्न अंग है। चंदन नगर में जब आया तो यहाँ पे बहुत ही एक ऐसा ये माहौल बहुत बुरा था यहाँ पर। यहाँ पे ये मारपीट करने वाली बस्ती है, तो मुझे बड़ी तकलीफ होती थी। मैंने बोला तकलीफ को किस तरह हल कर दिया जाए। मेजॉरिटी बन गई, मेजॉरिटी बनने के साथ बहुत लोग जुड़ गए मेरे को। फिर हमने बोला चलो बुद्धविहार बनाएंगे, अपने बाप दादाओं ने जगह करके रखा था। तो जब वो बुद्धविहार बनाने का बात था, क्या हुआ था, 1987 में पुतले तोड़ने का एक इधर उधर गांव के बाबा साहब के पुतले तोड़ते थे, तो हमारे बस्ते में भी पुतले थे दो,
तो हमको पुलिस स्टेशन में बुलाए, 5-6 लोग गए थे हम। तुमने उनको बताया कि भाई आप ऐसा करो, 1 महीने के लिए पुलिस वहाँ पे दो दो, दिन भरे में हम काम करेंगे और रात में आप पुलिस रखो, 1 महीने के अंदर हम अपना बंदोबस्त कर डालते हैं। लोगों को बताया भाई झगड़ा करने के बजाय, झगड़ा अगर होता है, मेरा लड़का है आपका हो, फंसेगा तो पैसा कौन लगाएगा? बाप लगाएगा। किसका पैसा लगाएगा? उसका लगाएंगे। तो ये लगाने के बजाय अपन बुद्धविहार के काम में लाएंगे, 2-2, 4-4 हज़ार रुपये कर पटक के साथ लोगों ने पैसा दिया, परकोट बना दिया कालम करके और ग्रिल की गेट लगा दिया। पुनः आम्हाला वाटलं की नाही हे छत आहे एवढं अपुरं आहे, याकरता आम्हाला ही तो मोठं करायला पाहिजे म्हणून आता 5-6 वर्षाच्या अगोदर आम्ही पुन्हा मोठं केलं। हे विहार बांधण्यामध्ये आमचे फतेहसिंगराव यार ढाबरे यांचा फार मोठा वाटा आहे। बुद्ध विहार मतलब संस्कारों का केंद्र, एक ऐसी पाठशाला जहां से मनुष्यों का निर्माण होता है, नैतिक जीवन बिताने की प्रेरणा जहां से मिलती है। फतेह सिंह जी के जीवन में आज ये जो कुछ भी सफलता और संपन्नता आई है, इसके पीछे धार्मिक जीवन में उनकी जो रुचि है उसका योगदान भी कुछ कम नहीं। आज फतेह सिंह जी उनकी इस नैतिक पूंजी को अपनी तीसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। ये है विपुल, फतेह सिंह जी का नाती। म्हणजे लहानपणापासून आय नेव्हर सीन हिम सॅड, आय नेव्हर सीन हिम गेटिंग अँग्री। म्हणजे त्यांना इतका त्रास दिला आहे आम्ही, त्यांनी आमचं लहानपण असं हरवू दिलं नाही आहे। आम्ही सगळे मोठे झालो, सगळे आता नोकरी करतो, तरी आम्ही जेव्हा त्यांच्यासोबत असतो, ही ऑलवेज मेक्स अस फील ॲज अ पी आर स्टील लाईक 2-3 इयर ओल्ड, अँड ही टेक केअर्स ऑफ ही लाईक ही टेक्स केअर ऑफ अस अँड ही पॅम्पर्स अस अ लॉट, सो दॅट्स वॉट ही इज। फतेह सिंग जी की जिंदगी का सफर और अनुभव जितना लंबा है उतना ही गहरा है उनका सामाजिक चिंतन। कि बाबा साहब अम्बेडकर ने एजुकेशन की वैल्यूएशन उनको समझाई, तो ये एजुकेशन की वैल्यू हमने खुद पकड़ लिया। हमने अपने लड़कों को यही बताया, अपना इस ज़माने में कोई नहीं, ससरा अपना एजुकेशन, बॉस अपना एजुकेशन, कमिश्नर अपना एजुकेशन, जज अपना एजुकेशन, एजुकेशन अपने पास रहेगा तो अपन सब पाएंगे, वरना अपने को कोई छुड़ाने नहीं आएगा। 55 वर्षामध्ये त्यांना मी जे पाहिलेलं आहे ते ह्याच अँगलनं पाहिलेलं आहे, ह्याच दृष्टीनं पाहिलेलं आहे की त्यांना कुणाचाही त्रास, कुणाचंही दुःख त्यांना पाहलं म्हणजे पाहलं नाही। जे जे दुःख त्यांना आजपर्यंत आढळलं, मग ते समाजाचं दुःख असो, जनतेचं दुःख असो, वा मग धार्मिक जे कार्य आहे त्या कार्यामध्ये कुठंतरी अंतर आलं असेल, त्या कार्यात कुठंतरी मला मदत करता येईल का, याचा विचार करून नेहमी फतेहसिंगजी ढाबरे यांनी आपला मोलाचा वाटा त्या कार्यामध्ये दिला। आज फतेहसिंह जी के जीवन में वो पहले वाला रोटी का संघर्ष तो नहीं है, लेकिन अपने समुदाय की बेहतरी के लिए चिंतन और उसका संघर्ष आज भी जारी है। कि अपना विधाता कोई है तो डॉक्टर अंबेडकर के सिवा कोई नहीं है, ऐसा मेरा ख्याल है। दूसरा इतना आदमी कोई कर नहीं सकता। बाबा साहब अंबेडकर 1920 से इसके पहले से भी शुरुआत हुई। पूरे इतिहास को देखो, बाबा साहब अम्बेडकर अकेले ने सारे जमाने को हला दिया, अकेले ने। आज हम कितने लोग पढ़े कुछ नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? कि हम एक साथ बैठ नहीं रहे। तो पहले बैठने का, युवा लोगों ने बैठे तो आपस में कम से कम डिस्कस वो करें कि आगे समाज की धारणा कैसी हो। तो आज आप ख्याल रखो और बाबा साहब का सिद्धांतों को अपना कर उनके कार्य का पालन करो ताकि आपका भला हो सके।
बहुजनों की बुलंद आवाज, आवाज इंडिया टीवी देखिए अपने मोबाइल पर कहीं भी कभी भी। आज ही आपके एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर से आवाज इंडिया टीवी का ऐप डाउनलोड करें और देखिए आवाज इंडिया टीवी के लाइव प्रोग्राम आपके मोबाइल पर। आवाज इंडिया टीवी देखे यूट्यूब पर भी। आप हमारे यूट्यूब पेज youtube.com/awazindiatv पर जाकर हमारे पेज को सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी की बटन दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच जाएं। देखते रहे आवाज इंडिया टीवी, बहुजनों की बुलंद आवाज़।